ध्यान हो तो हमने ग्राफ प्लॉट करा था यू और आर के बीच, ये वाला पॉइंट जो होता है दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि भी पार्टिकल्स जो हैं वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट? इट इज पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, नोट कर लो इतना, फिर आगे लिखाते हैं। नहीं ऐसे एक मिनट, ऐसे मत लिखो इसको, आर नॉट, नहीं नहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम नहीं, इसको यो बोलो, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, ये ज्यादा बेटर है, पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, ऐसे बोलो, मतलब ज्यादा बेटर तरीका है उसको लिखने का, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। अब लिखो, नाउ ऑन हीटिंग, कि भी एक्सपेंशन होता है क्यों एक्चुअली, नाउ ऑन हीटिंग एंड रेजिंग द टेम्परेचर, नाउ ऑन हीटिंग एंड रेजिंग द टेम्परेचर heating raising the temperature, the amplitude of oscillation of the particle increases. Now on heating and raising the temperature, the amplitude of oscillation of particles increases and thus the average separation between the particles and thus the average separation between the particles at equilibrium also increases, giving rise to thermal expansion. On heating and by raising the temperature, the amplitude of oscillation of the particle increases and thus the average distance between the particles at equilibrium also increases, thus giving rise to thermal expansion. में हमने ये तो देखा था उस समय जो elastic model हमने बनाया, अब इसीलिए actually चीज systematic चलती है, ये चीज हमने बनाई, अब actually हर पार्टिकल क्या कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये अपने पॉइंट के ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जब हमने इसको हीट करा तो इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ा, इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ा, और ओवरऑल इनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन था वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो चीज में क्या आ गया, थर्मल एक्सपेंशन आ गया। यहाँ बेसिक थ्योरी है कुछ, चलो सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं लीनियर एक्सपेंशन, ये तो कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है बेसिकली, इस कर्व पर बेस वो सवाल पूछ लेता है, सुकर पर बेस सवाल, अगर थर्मल एक्सपेंशन हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो जो आर नॉट वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शुरू हो जाएगा, बस ये लॉजिक। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि मैं सिर्फ इसमें कर रहा हूं वन डी में, तो मुझे किसी ने रॉड दे दी, इस रॉड की लेंथ है एल नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट, क्या करा हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज्ड
And new temperature is T, which is greater than T naught. तो मुझे इसकी नई लेंथ मिलती है एल टी, और मैं क्या लिखता हूं एल टी की वैल्यू, एल टी इज गिवन एज एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो मुझे क्या दिख रहा है, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा मुझे क्या नजर आ रहा है, अल्फा नजर आता है मुझे एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इस अल्फा की वैल्यू है डी एल बाई एल डी टी, ये इसकी क्या कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म। और अल्फा को क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट इज अल्फा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, क्या डिफाइन करते हैं अल्फा को, अल्फा इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इस अल्फा की यूनिट एक्चुअली क्या बनेगी, पर एक्चुअली क्या होती है, पर सेल्सियस डिग्री या फिर पर केल्विन। अब स्केल पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर अल्फा से तुम्हें सेल्सियस डिग्री में दे रखा है और सवाल में फैरनहाइट में चेंजेस हैं तो हमें वो चीज करनी आनी चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअली किताबों में तो तुम्हें वो लिखेगा पर डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, जनरली बुक्स में तो क्या होगा, इन बुक्स में क्या होगा, बुक्स में तो ये लिखा होगा, बुक्स में तो लिखा होगा पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां इतना ध्यान नहीं आता कि भाई वो एक्चुअली चेंज की जब बात करते हो तो हमेशा क्या आता है वो एलडेसन की डेफिनेशन है, एलडेसन जितनी भी वैल्यूज है सब सेल्सियस डिग्री के अंदर है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई पर डिग्री चेंज पर क्या चेंज आ रहा है बस। यहां पर एक अजम्पशन है assuming alpha is constant, alpha is constant in the given temperature range, ये assumption होता है तभी ये formula होता है, और ये assumption हमेशा applicable है actually, जब तक कि कुछ और गिवन नहीं हो हम यही मान के चलते हैं। तो अल्फा को हमने क्या माना हुआ है कांस्टेंट, लेकिन किसमें, उस गिवन रेंज। हाँ, कि और ज्यादा प्रॉपरली अगर तुम इनकी किताबें पढ़ो जो थर्मल एनर्जी किताबें होती हैं, प्रॉपर हीट की किताबें, तो उनमें ये भी लिखा होता है कि इट इज ऑल्सो गोइंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसको एक्चुअली हम जो चीज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन, हम जो रिएक्शन में पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं फ्री थर्मल एक्सपेंशन। फ्री क्यों, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, वरना वो फ्री रहता फिर तो हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस की। तो ये जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्री थर्मल एक्सपेंशन। अगर एक सर्विस दी फ्री थर्मल एक्सपेंशन मतलब फ्रीली जो हो रहा है, किसी तरह का कोई फोर्स उसे रोक नहीं रहा। मैं इस रॉड को तो दीवारों के बीच में रख दूंगा फिर हीट करूंगा तो क्या होगा इसके एक्सपेंशन में, एक बस एक क्या आने लगेगा, टिंक वो आने लगेगी, एक स्ट्रेस लगने लगेगा, एक्सपेंशन पूरा हो ही नहीं पाएगा, बस वो वाली चीज। फ्री एक्सपेंशन मतलब है कि रॉड के पास पूरी जगह एक्सपेंड होने की, ये मतलब है। देखो इफ अल्फा इज वेरिएबल, If alpha is variable, first case alpha is a function of temperature. हाँ भाई, अब कैसे करोगे सवाल, बात है आईनी की आईटी के अंदर क्या कर देंगे, इंग्लिश में ना बस कर दो और क्या,
इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे हम, डी एल विल बी इक्वल्स टू अल्फा एल डी टी, अल्फा क्या आ गया फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा जीरो से टी नॉट तक, हाँ सॉरी टी वन से टी टू तक, फ्रॉम सम टी वन टू टी टू, डी एल बाई एल क्या फर्क पड़ रहा है, एल तो कॉन्स्टेंट ही मानेंगे, एल होना चेंज होगा, तो फिर इसमें डी एल बाई एल ये जो एक्सटेंशन तुम मानोगे, हाँ प्रैक्टिकली सोचो, हाँ वो एप्रोक्सीमेशन वाली चीज आ जाएगी बिल्कुल, हाँ फर्क आएगा नहीं ऐसे कोई प्रश्न लगा दोगे तो, बाकी हाँ एक्चुअली हमें यही चीज करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है तो उधर भी इंटीग्रेशन डी एल वाई एल ही करना चाहिए प्रैक्टिकली, तो अच्छा तुम्हारी बुक के अंदर भी उन्होंने ऐसे नहीं करा हुआ है, बुक में तो उन्होंने डी एल ही दे दिया उधर, मतलब इधर का डेल्टा एल कर दिया, एल को कॉन्स्टेंट मानते हुए, एल को कॉन्स्टेंट मानते हुए करोगे तो, अगर एल को मैं वही इफ एल इक्वल्स टू एल नॉट मान लू, ठीक है ना, तो लिख लेते पॉइंट भी, इफ एल इक्वल्स टू एल नॉट तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग टी वन टू टी टू अल्फा डी टी, बाहर क्या जाएगा एल नॉट। सेकेंड केस, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज अलोंग द रॉड, तो अब क्या करेंगे हम, ब्रॉडली रॉड पर हमने क्या मान लिया, इधर से एक एक्स दूरी पर एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी डी एक्स, उसके अंदर आई लेंथ डी एक्स बिल्कुल, तो हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं डी एल इज एक्सपेंशन इन डी एक्स, इसका मतलब डीएल कितना लिखोगे, डीएल की वैल्यू लिखी जाएगी अल्फा एक्स इंटू डी एक्स इंटू डेल्टा टी, देख लो कोई दिक्कत, तो इसका मतलब डेल्टा एल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो अल्फा एक्स छोड़ देते हैं, इंटू डेल्टा टी तो कॉन्स्टेंट हो गया, ये डी एक्स इंटू डेल्टा टी, और एक्स की कहां से कहां तक, जीरो से एल नॉट, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस ये सीधे एल टी बराबर ये तुमने वहां पर पढ़ा रेजिस्टेंस के अंदर, आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अच्छा उसमें आर नॉट क्या लेते हो, गिवन टेम्परेचर रेंज, तो इसमें ले बात कर रहे हैं, लिखो जरा सवाल, गिवन टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल वन एंड एल टू अल्फा को बोलते क्या हम, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, L1, L2
अल्फा वन अल्फा टू गिवन टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल वन एल टू एंड थर्मल कोफिशिएंट्स है एल वन एंड अल्फा वन एंड अल्फा टू. If the difference between the length of the rods, if the difference between the length of the rods is a constant at all temperatures, if the difference between the length of the rods is a constant at all temperatures, then which of the following relation is correct? Then which of the following relation is R correct? Then which of the following relations is R? Given two rods length L1, L2 and thermal coefficient alpha 1, alpha 2? A. A. क्यों? कैसे? इतना करने की जरूरत नहीं. क्यों है? क्या मतलब हुआ दोनों की लेंथ? वो क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ रिमेंस अ कांस्टेंट किसी भी टेम्परेचर पर. इसका मतलब ये कि दोनों की लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसका मतलब ये कि डेल्टा एल वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा एल टू. और डेल्टा एल वन क्या चीज है? एल वन अल्फा वन डेल्टा टी बराबर एल टू अल्फा टू डेल्टा टी. तो क्या आ गया आंसर? ये आंसर और डी क्या है? किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते वाला सवाल एडवांस में तो नहीं छोड़नी है. इसमें था कभी. नेक्स्ट लिखो विजुअलाइजिंग थर्मल एक्सपेंशन. विजुअलाइजिंग थर्मल एक्सपेंशन. विजुअलाइजिंग थर्मल एक्सपेंशन. क्योंकि तुमसे एक सवाल पूछता हूँ. चलो सपोज तुम्हें किसी ने एक ये स्केल दे दी मेटलिक स्केल. दिस इज अ मेटलिक स्केल. इसके डिविजन होंगे ऐसे यहाँ पर. ठीक है इट्स अ मेटलिक स्केल शेडिंग कर देते हैं. मतलब ये मार्किंग से दी गई मुझे. अच्छा इसने क्या बोला कि मैंने दो चीजें करी. एक तो मैंने करा इसके ऊपर पेंसिल से एक सर्कल बना दिया पेंसिल से. और एक मैंने क्या करा इस पर एक और सर्कल बनाया. एक्चुअली बनाया नहीं काट दिया वहां से कितना पोर्शन. अब इसको हीट करा क्या लगता है क्या इफेक्ट होगा? क्यों ये सेम है? इनिशियली मान ली सेम क्या होगा?
ये तो हाँ नहीं सर्किल ही रहेगा, नहीं मतलब इनके क्या होगा ओवरऑल, जब तुम स्केल की बात करोगे हम थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हैं, स्केल का ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्केल एज अ होल, बढ़ेगी, चलो बढ़ा दे स्केल को एज अ होल, बढ़ा देते ज्यादा बढ़ा दे थोड़ा पिक्चर दिखाने के लिए, अच्छा पूरी स्केल बड़ी हो गई, सारे डिविजन्स, अगर पहले डिविजन एक एक एमएम था अभी भी एक एमएम रहेगा क्या, बढ़ जाए, अच्छा नंबर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नंबर डिविजन में कितने रहेंगे, आठ ही रहेंगे, हाँ नौवां थोड़ा पैदा हो जाएगा, पर हर एक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये आठ डिविजन, ठीक है, हाँ सर्कल्स यही एक्चुअली जो उसने पॉइंट बोला यही लोगों को फील आती थी कि ऐसा होना चाहिए कि भी सब तरफ से मेटल एक्सपेंड हो रहा है तो ये वाला घट जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ तो ये कि ये सर्कल भी बड़ा हो गया और ये भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, नहीं मतलब एक्चुअली अगर इस वाले पोर्शन का जो गोला हटाया था उसको मैंने उसी टेम्परेचर पे रखा तो जब उसको वापस लगाया गया तो वो फिट नहीं हो रहा था, अबे उसको थोड़ा हीट करा था, उसको हीट नहीं करा था, अब वो एक्चुअली ये सब सवाल पूछता है, वो कहेगा जो जिस पार्ट को हटाया, कैविटी बन गई तरह से जिस पार्ट को हटाया गया उसको जब वापस रखा उसको हीट नहीं करा तो क्या हो गया इसके अंदर से लूज हो गया, या उसको भी उतना ही हीट करा तो अभी भी कह रहा था एग्जैक्ट फिट आ रहा था, अच्छा एक और इसका एक और बताता हूँ चीज क्या हो रही है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा था बेसिकली, वो एक्सपेरिमेंट था ना वो इस तरह से एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या करा 9 स्क्वायर प्लेट्स ले ली और उन 9 स्क्वायर प्लेट्स को इस तरह से रख दिया, ग्रिड बना दिया एक, इस तरह से 9 स्क्वायर प्लेट्स का ग्रिड बना दिया, ये भी एक स्क्वायर है और सारी प्लेट्स भी क्या है स्क्वायर है, बीच वाली प्लेट को हटा लिए, जब हीट करा तो वो जो बीच का स्क्वायर वो जो तेरे को फीलिंग दी कि वो क्या हो जाना चाहिए छोटा, बट ऐसा नहीं हुआ, वो भी क्या हो गया था एक्सपेंड हो गया, गेटिंग इट, तो एक्चुअली क्या है जब भी हमसे अब उस पर क्या सवाल पूछो तो इसको क्या हुआ, अगर मैंने इस वाले पोर्शन को हटा लिया, ठीक है अब जो क्वेश्चन था ना फिर एक्सप्लेन करके दिखा रहा उसमें ये हुआ कि इस पोर्शन को हटा लिया और इसको जब हीट करा तो वो जो कैविटी वाली चीज है वो भी क्या हुई थी एक्सपेंड हुई थी, ठीक है चीज, तो एक्चुअली इसमें जो हमें फील आती है जब भी इसमें सवाल आया था सवाल पूछे थे सर आईटी का सवाल पूछे और बताता हूँ, तो क्या हुआ जब हमने इसको हीट करा तो एक्चुअली ये जो कैविटी वाला पोर्शन था सारे स्क्वायर्स क्या हो गए बड़े हो गए और वो जो कैविटी थी वो भी देख लो अपने आप ही क्या हो रही है बड़ी हो गई, एक्सपेरिमेंटली करके दिखा था इस चीज को, उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करा और एक्चुअली अब हमारे पास जो कंक्लूजन है वो ये है और एक्चुअली जो फील आती है वो आती है कि हाँ तो कोई मटेरियल नहीं है तो एक्सपेंड क्या हो गया, गेटिंग इट, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं है, वो जो कैविटी वाली स्पेस है उसके चारों तरफ कब जो मटेरियल है वो कैविटी क्या करता जाएगा अपने आप ही बड़ा करता जाएगा, तो आईआईटी में जो सवाल आया ना वो इस तरह से आया, एक सवाल इन्होंने एक रिंग ली एक रिंग में से इतना पोर्शन कट कर दिया, ये चीज तुम्हें दे दी उसने डी, ये चीज डी दे दी, ये डी आर्क एक कट कर दी
ये रेडियस नहीं, रिंग रिंग, ये रेडियस दिया आर, ये एंगल दिया थीटा. सवाल ये आईटी का सवाल आया था ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग ऑप्शंस थे विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, आर डी थीटा, ओनली आर डी, ओनली थीटा, आर एन थीटा. तो क्या है जो इंक्रीज होगा? आर एन डी विल इंक्रीज एंड थीटा विल रिमेन सेम. एक्चुअली थर्मल एक्शन को अगर विजुलाइज करना होता है तो फंडा ये है, फोटोग्राफिक जूमिंग. एक्सपेरिमेंटली नहीं ये चीज, दिस इज फोटोग्राफिक जूम. किसी फोटोग्राफ को अगर जूम करोगे तो तुम्हें वहां जो चीज दिखने वाली है वही कब होगा? थर्मल एक्सपेंशन में. तुम इस चीज को बनाओ और जूम करो तो ये कैविटी भी क्या हो जाएगी? अपने आप बड़ी. तुम इस चीज को जूम करोगे तो अपने आप सारी चीजें क्या दिखने वाली है तुम्हें? बड़ी. तो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन को विजुलाइज करने का तरीका ये है कि किसको चेक कर लो, उसको जूम करके देख लो बस खत्म. ये वाला कंसेप्ट होता है. तो क्या हुआ इसके अंदर, हमने क्या देखेंगे, हम क्या चीज बढ़ेगी? आर एंड टी डी विल इंक्रीज, आर एंड डी विल इंक्रीज, एन थीटा क्या रहेगा? एन थीटा विल रिमेन कॉन्स्टेंट, एन थीटा विल बी कॉन्स्टेंट. चलो तो होगा क्या, यहां पर अगर एक्सपेंड करोगे, यहां पर एक्सपेंड करोगे तो ये चीज ऐसी मिलेगी हमें. आर बढ़ गया, डी बढ़ गया, थीटा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट. ये जो डायग्राम मिलेगा उसे जूम करके देखने पर अब लिख सकते हो दैट फ्री एक्सपेंशन इज नॉट टेकिंग प्लेस. और फ्री में और उसमें क्या फर्क आता है, ये अभी हम जब थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस, तब हमें वो चीज और पिक्चर क्लियर होगी. चलो नेक्स्ट लेवल. Effect of thermal expansion on scale readings. Effect of thermal expansion on scale readings. Question करके देखते हैं, theory तो क्या देखनी है, ये question. Ocean. A meter scale calibrated at 0 degrees Celsius. A meter scale calibrated at 0 degrees Celsius. ठीक है. इसको कैलिब्रेशन कहा है इसका? जीरो पर. यानी कि इसकी एक्चुअल रीडिंग कब आएगी जब स्केल कितने पर है? जीरो पर. तो गिवन क्या लिखा हमने? और कैलिब्रेटेड स्केल कैलिब्रेटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड टू गिव डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इज यूज्ड टू give this is used to measure distance between two fixed points at 40 degrees Celsius. Is used to measure distance between two fixed points at 40 degrees Celsius. The reading was found to be 12 mm. The reading was found to be 12 mm. What is the actual distance between the two fixed points?
what is the actual distance between the two fixed points? आंसर है हाँ अल्फा तो वैल्यू देता हूँ बिल्कुल तुम्हें अल्फा दिया है अच्छा टू फिक्स पॉइंट्स का मतलब है कि वो पॉइंट तो पत्थर पे मान लो पत्थर का अल्फा लगभग कितना होता है जीरो स्टोन्स में बहुत सारा एक्सपेंशन नहीं आता मेटलिक में ज्यादा होता है ग्लास में थोड़ा बहुत होता है बाकी मेटलिक तो फिक्स पॉइंट्स का मतलब है कि उनका एक्सपेंशन जीरो है ठीक है तुम्हें अल्फा दिया है अल्फा ऑफ स्केल मटीरियल अल्फा ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस हिंट तो मैं पहले दे चुका तुम्हें अल्फा इज 10 की पावर माइनस 5 12.0 उधर नाम क्या आपका हाँ अबे हाँ कम होगी क्या लेंथ देखो चीज समझो क्या हो रही है ये स्केल थी मेरे पास स्केल को कैलिब्रेट कब करा गया 0 डिग्री सेल्सियस इसके कैलिब्रेट कब कितने पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो इसके ऊपर क्या है भाई ये वाली मार्किंग को मैंने जीरो बोल दिया दिस इज जीरो मार्किंग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर बात करोगे एट 0 डिग्री सेल्सियस ये कोई भी लेंथ कितनी है 1 mm लेकिन कब है ये चीज एट 0 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हो कोई दिक्कत तो नहीं अब वो क्या कह रहा है स्केल को यूज कितने पर कर रहा हूं मैं 40 डिग्री सेल्सियस स्केल को भी यूज कर रहा हूं मैं एट 40 डिग्री सेल्सियस तो मैं क्या बात करता हूं अब अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस की बात करूं एट 40 डिग्री सेल्सियस देखो जरा हर पॉइंट के बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अब देखो अब मैं बनाता हूं जरा वाकई का डायग्राम भाई कोई भी चीज हमें मैसे करनी हम रखते तो कहां से हमेशा जीरो से हम रखेंगे तो किस पॉइंट से जीरो से तो उस उसको जब मैं उस चीज को मेजर कर रहा हूं उसका मेजर स्टार्टिंग पॉइंट पे यही वाला हो रहा तो ये जीरो अब वन तुम्हारे पास यहां आया टू इधर आया सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है शिफ्ट हो गया है ये 12 जो है एक्चुअली कहां आएगा कुछ इधर आएगा और ये जो दूरी है हमारे पास ये डिस्टेंस ये बने मैंने क्या ये कितनी अब ये डिस्टेंस हमारे पास है 1 mm इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 40 This distance is now 1 mm into 1 plus 40 alpha. ये स्टैंडर्ड तरीका होता है एक्चुअल तरीका जो है इन सवालों का रहे यही है कि एक एक क्या निकाल दो उस रीडिंग के अंदर का चेंज आ गया तो ये एक एक रीडिंग जो है हमारे पास ये अब 1 mm कितनी हो गई बढ़ गई अच्छा मैं कौन सी स्केल यूज कर रहा हूं मैं ये वाली यूज कर रहा हूं या मैं ये वाली यूज कर रहा हूं ये वाली अब स्केल को मैंने क्या करा इन दो पॉइंट्स ये दो पॉइंट्स थे मेरे पास ए एंड बी दीज पॉइंट्स आर फिक्स्ड
मैं कौन सी स्केल लेकर गया, ये वाली स्केल मैंने यहां पर क्या करी, यूज करी, तो यहां तो मेरा क्या दिख रहा है, जीरो, और यहां मुझे क्या नजर आ रहा है, बारह। तो एक्चुअल लेंथ एबी जो है वो एक्चुअली कितनी है, 12 टाइम्स दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि वो इसको तुम हीट कर चुके तो इसका हर डिवीजन क्या हो चुका है, ये तो एक पार्ट है सवाल का, ये तो एबी कैसे पॉइंट है, फिक्स पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस क्या हमारे पास, फिक्स्ड, क्योंकि एबी पॉइंट है, दिस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस। सवाल तभी तब बनेगा जब मैं इसको भी क्या कर दूं, वेरिएबल करते हैं, उस लेवल पर जाते, वो तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, पहले एक बेसिक लेवल समझ ले, हम स्केल जीरो पर ऐसी दिखती थी, ये लेंथ कितनी थी, 1 mm, कैलिब्रेटेड एट 0°, यानी कि हर डिवीजन कितना है, 1 mm है, जब 40 पर गए तो हर डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 mm × 1 + 40α, कोई डाउट तो नहीं यहां पर। अब मैं ये स्केल यूज कर रहा हूं, ये वाली नीचे वाली, नीचे वाली, अच्छा और ढंग से बोलो, उसने क्या बोला, द रीडिंग मेजर्ड इज, हमेशा ध्यान रखो कि सवाल लैंग्वेज, वो क्या कह रहे हैं, द रीडिंग मेजर्ड इज, द रीडिंग इज, सॉरी, द रीडिंग इज 12 mm, तो रीडिंग भाई, अब कोई, अब एक बात बताओ, जो भी यूज कर रहा था इस स्केल को, उसको तो रीडिंग क्या दिख रहा है, इधर जीरो दिख रहा है, इधर 12, तो वो तो कितना आंसर बोलेगा, 12 बोलेगा, ठीक है ना, बोलेगा रीडिंग इज 12 mm, अब उसको जब तक नहीं पता कि भाई अब वो चीज 1 mm रही है, वो तो क्या बोलेगा, रीडिंग इज 12 mm हमारी खत्म, बट एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी हमारे पास, तो एक्चुअल ए बी, एक्चुअल ए बी इज इक्वल्स टू 12 × लेंथ ऑफ न्यू डिवीजन, 12 × लेंथ ऑफ न्यू डिवीजन, और लेंथ ऑफ न्यू डिवीजन कितनी है, व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच न्यू, 12 × लेंथ ऑफ ईच न्यू डिवीजन, हाँ भाई, नए डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 × 1 + 40α, तो क्या आ गया हमारे पास, 12 × 1 × 1 + 40α, क्या आंसर आ रहा है, 12.0048 mm, ये भी ध्यान रखना, इस पे ऐसे अच्छे सवाल बनते हैं, इससे सवाल ही बनाएगा वो, कि भाई दो फिक्स पॉइंट्स हैं, स्केल को हमने क्या कर दिया, बहुत ढंग से पढ़ना, हो सकता है कभी कभी वो बोले कि रीडिंग 40 पर है, कैलिब्रेटेड 40 पर है, मेजर काम कर रहे हैं जीरो पर ला करके कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा भी कैसे कर रहे हैं, अगला बार में उल्टा ही कर रहे हैं, तो यहां पर उसने क्या करा कि भाई, और उसने क्या बोला कि जब 40 पे उसे तो रीडिंग कितनी आ रही है, 12 mm, द रीडिंग इज 12 mm ऑन यूजिंग एट 40, इसका मतलब भाई ये अगर मैं स्केल उधर होना, भाई मैं तो स्केल लेके लगाई, मुझे ए पे जीरो नजर आया, बी पे नजर आया, तो मैं बोलूंगा 12 mm हुई, और वो तो जिसको पहले से पता था कि हर एमएम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, वो क्या बोलेगा, नहीं आंसर कितना है, 12.0048, ठीक है जी, चलो अगला सवाल लिखते हैं, तो ये सब मिलते हैं, कोई बहुत ज्यादा सवाल टफ ऑफ तो आते ही नहीं है, ये है कि आप छोटी मोटी इस तरह की गलतियां ना करो, चलो ये नेक्स्ट ऑप्शन लिखो, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो, अ ग्लास रॉड glass rod measured with a zinc rod, a glass rod measured with a zinc rod appears to be, equivalent, a glass rod measured with a zinc scale, a glass rod measured with a zinc scale appears to be of 100 cm, appears to be of 100 centimeter when both at 30°C. The zinc scale shows correct reading at 0°C. The zinc scale shows correct reading at, यानी कि उसका कैलिब्रेशन कितने पर है?
जीरो का है, ठीक है, द जिंक स्केल शोज करेक्ट रीडिंग एट 0 degrees Celsius. फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ ग्लास रॉड एट 0 degrees Celsius. फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ ग्लास रॉड एट 0 degrees Celsius. तुम्हें जो डेटा गिवन है वो है अल्फा ग्लास. अब अगर अल्फा ग्लास नहीं होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर अल्फा ग्लास दे रहा है इसका मतलब मुझे उसका एक्सपेंशन भी देखना है. एंड अल्फा जिंक 26 चाहो तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर सकते हो, यूरो का सवाल है तो सिंबॉलिक फॉर्म में आंसर दे रखा है उसने. फाइंड ट्रू लेंथ एट 0 degrees Celsius लिखा तो है. फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ ग्लास रॉड एट 0 degrees Celsius. मैं चाहूंगा कि मुझे एक्सप्रेशन फॉर्म बता दो, ज्यादा अच्छा है. मतलब कोई बात नहीं, निकाल दो आंसर, आंसर भी आ जाता है. क्यों पढ़ने का तरीके ये है IIT के अंदर, ये चीजों को टाइम दे के पढ़ो. अच्छा है मेरे पास 20 स्टार का, तो मैं 2 साल में तो पूरा, उनको तो LDS नहीं कर दी कंपल्सरी, चढ़ेंगे अच्छे से. अब पता है 11 से अगर एक रीडिंग हैबिट होना तो बढ़ जाती है, 12th भी रीडिंग हैबिट नहीं डलती फिर. 11 में किताबें पढ़ रहे हो लिस्ट करेंगे, तो अगर कोई भी तुम्हारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो 11 से उनको बोलो बुक्स रीड करें. मैं कोटा सिस्टम में आकर के और क्या होता है कि हम किताबें पढ़ना भूल रहे हो, कि किताबें पढ़ना जरूरी है अगर IIT के भी लंबे सवाल की लैंग्वेजों को पकड़ना है तो. हाँ क्या आंसर? 100.0539. हाँ ठीक है चलो. क्या हो रहा है भाई, अगर जिंक रॉड की बात करें, जिंक स्केल, तो जिंक स्केल के साथ क्या हुआ, जिंक स्केल तो चलो ऐसे देख लेते हैं. ये मेरे पास ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड क्या कर रहे, चलो ग्लास रॉड की, दिस इज ग्लास रॉड एट 0 degrees Celsius, ठीक है. इस लेंथ को मैं कुछ L बोल लेता हूं, ग्लास रॉड है 0 degrees Celsius, कोई दिक्कत? ग्लास रॉड एट 30 degrees Celsius L डैश हो जाएगी, और कितना होगा ये L डैश बराबर, L डैश बराबर होगा L इंटू 1 प्लस अल्फा ग्लास इंटू कितना 30. और ये कब आ रहा है हमारे पास, दिस इज ग्लास रॉड एट 30 degrees Celsius. मैं मेजर तो कौन सी वाली कर रहा हूं, इसको मेजर कर रहा हूं मैं तो, ठीक है ना भाई. अच्छा सिमिलरली जिंक स्केल क्या दिया उसने, 100 सेंटीमीटर बोला, ठीक है. जिंक स्केल की बात करें, जिंक स्केल जो है हमारे पास, ये मान लो हमने पॉइंट्स ले लिए इसके ऊपर, ये पॉइंट 0 ले लिया, एक एक सेंटर वाले थे 1, 2 एंड सो ऑन करते करते मान लो हमारे पास 100 पॉइंट आ गया. जहां पर ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर. बट कब है ये जिंक स्केल एट, कब, 0 degrees Celsius, ठीक है ना, ये चीज तब हो रही है. अच्छा
अब जिंक स्केल भी कितने पर पहुंच गई? 30 पर. तो एक्चुअली ये हर डिवीजन जो है तुम्हारे पास जीरो, ये वन थोड़ा बड़ा हो गया, वन इधर चला गया, टू इधर चला गया, ऐसे ही हंड्रेड भी तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे. सेम वही वो सवाल पहले करा था हमने इसीलिए. अब ये लेंथ कितनी है हमारे पास? दिस लेंथ विल बी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा जिंक इंटू 30. और ये क्या हमारे पास? जिंक स्केल एक्ट. दिस इज द जिंक स्केल एट 30 डिग्री सेल्सियस. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली स्केल को यूज कर रहा हूं उसको मेजर करने के लिए. तो मुझे क्या दिखा रहा है वो रीडिंग में? मुझे दिखा रहा है कि भाई एल डैश कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर. 100 एल डैश इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ऑन जिंक स्केल एट 30 डिग्री सेल्सियस. अब अगर समझदार तरी व्यक्ति है लिखने वाला तो उसको 100 सेंटीमीटर लिखेगा, इसको 100 डिविजन्स ऑन जिंक स्केल. जो कह रहा है अपीयर्स टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेटर तरीका यह है लिखने का, हम उसको क्या लिखें? 100 डिविजन ऑन जिंक स्केल एट 30 का. अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं. तो एल डैश के लिए लिख दो. एल डैश बराबर क्या हो गया? एल डैश हमारे पास हो गया एल इंटू 1 प्लस अल्फा g 30 बराबर 100 इंटू अब लेंथ ऑफ वही ईच डिविजन रोहित, और लेंथ ऑफ ईच डिविजन कितनी? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा जिंक 30. तो एक्चुअली ये फॉर्मूला आता है एल बराबर क्या आता है हमारे पास? एल बराबर आ जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 30 अल्फा जिंक अपॉन 1 प्लस 30 इंटू अल्फा ग्लास. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. और ये आंसर तुम्हारे पास लगभग आ रहा है 100.0539. अगर अप्रोक्सीमेशन लगा दो क्वेश्चन क्या लगा सकते हो, इसको ऊपर जा सकते हो, 1 माइनस कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटी टर्म आएगी, वो लगा देगा तो 100.054 आ जाता है. ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम क्लॉक्स. इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम क्लॉक्स. इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम क्लॉक्स, ये वाली चीज. पेंडुलम क्लॉक्स होती है हमारे पास, ऑसिलेट करते हैं. कोई डाउट तो नहीं यहां पर स्केल वाली चीज में? ये सवाल आने के चांसेस हैं क्योंकि पिछले कई टाइम से आए नहीं है. अचानक से क्या होगा, जिस दिन आईआईटी पूछ लेगा उसके बाद से बस फिर वो लगातार 8-10 सवाल उन्हीं के ऊपर करा दिए जाएंगे. 8-10 सवाल क्या मतलब, वही पेपर के अंदर आने शुरू हो जाएंगे और हर जगह पूछते रहेंगे. पिछले कुछ टाइम से आए ही नहीं है. ठीक है ना भाई, अब इसमें जो चीज सोचनी है वो सोच लेना बस एक बार. ये लेंथ कुछ एल नॉट होगी. हीट करा, सपोज मैंने हीट करा तो क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा टाइम पीरियड. अब जो चीज तुम्हें सोचनी है वो समझना. टाइम पीरियड था 2π√L/g, वो एल डैश वाली चीज आ जाएगी. वो तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन कर भी लेना भली. सपोज करो कि जो चेंज इन टाइम पीरियड आया वो आया 0.012 सेकेंड. मेरे पास सेकेंड पेंडुलम है, मतलब हिंट देकर छोड़ रहा हूं मैं अगली क्लास के लिए. सेकेंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. ये होते सेकेंड पेंडुलम. डेल्टा टी आया 0.012 सेकेंड, बढ़ गया. बढ़ा क्यों? लेंथ बढ़ी. लेंथ बढ़ गई तो टी 2π√L/g टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. जो चीज सोचनी है वो ये सोचना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है.
द क्लॉक, अच्छा ये टाइम लूज कर रही है कि गेन कर रही है? लूज कर रही है, स्लो होगी ये क्लॉक. द क्लॉक विल लूज जीरो पॉइंट जीरो वन टू सेकेंड इन एवरी टू सेकेंड्स और एवरी 2.012 सेकेंड्स. जी सर, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं भाई, टाइम टेबल में वो टाइम टेबल अगली बार करेंगे, पूरा डाइजेशन में रहेंगे. मैं कह रहा हूं टाइम टेबल में चेंज आया, हीट करा, लेंथ बढ़ाया, वो चेंज आया इतना, ठीक है, स्लो हो रही है, पता पड़ रहा टाइम पीरियड कम हो रहा है. तो अब सवाल ये है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है. सवालों में फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल ही हो तो फर्क पड़ता है. कैलकुलेशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे इससे डिवाइड करो ऐसे डिवाइड करो, फर्क नहीं आ रहा. बट सवाल अगर यही हो, विच स्टेट द क्लॉक विल लूज दिस मच सेकेंड इन एवरी टू सेकेंड्स और एवरी 2.012 सेकेंड्स, ये सोच करके आना. मतलब मुझे किसी ने कभी इस बारे में सोचने को बोला नहीं था, तो नहीं सोचा था, तो काफी टाइम तक गलत ही सोचता था, ठीक है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया.